नमस्कार दोस्तों, भारत की शानदार जीत के साथ ही बदल गई वर्ल्ड कप 2023 की पूरी पॉइंट टेबल और साउथ अफ्रीका की टीम के लिए हुआ बहुत ही बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएं कि भारत की जीत के बाद वर्ल्ड कप 2023 की नई पॉइंट टेबल क्या है और अब टीम इंडिया किस स्थान पर पहुँच गई है। लेकिन उससे पहले, अगर आप विराट कोहली और शुभमन गिल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का आज 33वां महामुकाबला भारत और श्रीलंका की टीम के बीच खेला गया। इस मैच में श्रीलंका की टीम ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और श्रीलंका की टीम का यह निर्णय बहुत ही गलत साबित हुआ, जहाँ पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम की शानदार शुरुआत रही। हालांकि टीम के कप्तान रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, फिर शुभमन गिल और विराट कोहली ने भारतीय टीम की पारी को संभाला और टीम इंडिया ने शानदार बैटिंग की और 50 ओवर में 357 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें मैं टीम की तरफ से सबसे अधिक रन टीम के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने शानदार 92 रन की पारी खेली। इसके अलावा कोहली ने 88 तथा श्रेयस अय्यर ने भी शानदार 82 रन की पारी खेली। तो वहीं श्रीलंका की तरफ से सबसे अधिक टीम के तेज गेंदबाज मधुशंका ने शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट हासिल किए। तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की कुछ खास शुरुआत नहीं रही और श्रीलंका की टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में करारी हार का सामना करना पड़ा और इसी हार के साथ ही श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। तो वहीं भारतीय टीम की जीत के बाद ही वर्ल्ड कप 2023 की पॉइंट टेबल में भारी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और भारतीय टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो टीम इंडिया की जीत के बाद नई पॉइंट टेबल कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है। पर आखिरी पायदान पर अब बांग्लादेश की टीम बनी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश ने अभी तक वर्ल्ड कप में 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने मात्र 1 में जीत दर्ज की है तथा उसे 6 में हार का सामना करना पड़ा है और बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। तो भाई 9वें पायदान पर इंग्लैंड की टीम मौजूद है, क्योंकि इंग्लैंड ने अभी तक वर्ल्ड कप में 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इंग्लैंड ने मात्र 1 में जीत दर्ज की है तथा उसे 5 में हार का सामना करना पड़ा है और इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। तो भाई 8वें पायदान पर नीदरलैंड की टीम है, क्योंकि नीदरलैंड ने अभी तक वर्ल्ड कप में 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने 2 में जीत दर्ज की है तथा उसे 4 में हार का सामना करना पड़ा है और यह भी टीम लगभग वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और टीम के पास मात्र 4 ही अंक मौजूद है। तो वहीं 7वें पायदान पर श्रीलंका की टीम मौजूद है, क्योंकि श्रीलंका ने अभी तक वर्ल्ड कप 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने 5 में हार मिली है तथा उसे 2 में जीत मिली है और टीम के पास मात्र 4 ही अंक मौजूद हैं और श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुकी है। वहीं 6वें पायदान पर अफगानिस्तान की टीम मौजूद है, क्योंकि अफगानिस्तान ने अभी तक वर्ल्ड कप में 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने 3 में जीत दर्ज की है तथा उसे 3 में हार का सामना करना पड़ा है और टीम के पास मात्र 6 ही अंक मौजूद है। तो वहीं 5वें पायदान पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक वर्ल्ड कप में 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने 4 में हार मिली है तथा उसे 3 में जीत मिली है और टीम 5वें पायदान पर मौजूद है और यह टीम अभी वर्ल्ड कप में बनी हुई है। तो वहीं 4थे स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अभी तक वर्ल्ड कप में 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने 4 में जीत दर्ज की है तथा 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और टीम के पास 8 अंक मौजूद है। तो वहीं 3रे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूद है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक वर्ल्ड कप में 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने 4 में जीत दर्ज की है तथा 2 में हार का सामना करना पड़ा है और टीम के पास 8 अंक मौजूद हैं और टीम 3रे स्थान पर है, जहां पर 2रे स्थान पर साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप में 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने 6 में जीत दर्ज की है तथा उसे 1 में हार का सामना करना पड़ा है और साउथ अफ्रीका की टीम के पास 12 अंक मौजूद है। तो वहीं भारतीय टीम नंबर 1 पर मौजूद है, क्योंकि टीम इंडिया ने अभी तक वर्ल्ड कप में 7 मुकाबले खेले हैं और सभी 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और टीम इंडिया के पास 14 अंक
पहुंच गई है और तो भारतीय टीम इसी जीत के साथ ही अब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।